हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 69 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करता हूं। स्टूडेंट, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आपको ये प्रश्न और इसके उत्तर अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, आज हम सामान्य ज्ञान के भाग 69 के पहले प्रश्न को देखते हैं कि बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ, 1921 में, 1936 में, 1937 में या 1967 में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार के प्रीमियर जो हैं श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, और 1937 में ही बिहार में साक्षरता अभियान को लागू किया गया था, शुरू किया गया था। तो हमारा उत्तर होगा 1937। अब स्टूडेंट, हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 12 बटे वट बराबर वट बटे 27, तो वट बराबर क्या, 162, 324, 18 या 21। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका निकाल करके। लेट अस माना कि वट बराबर एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार 12 बटे x बराबर x बटे 27। क्रिस क्रॉस मेथड से इसको गुना करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 12 × 27, तो 12 × 7 = 84 और 12 × 24 = 8 = 32। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 324, और 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 18। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला प्रथम भारत में बना नाभिकीय पनडुब्बी कौन था, अरिहंत, चक्र, विक्रांत और विक्रमादित्य। तो अरिहंत को 2009 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, जबकि INS चक्र को 2012 में शामिल किया गया था। विक्रांत जो था समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक बहुत बड़ा नौसेना का बेड़ा था। तो हमारा उत्तर होगा अरिहंत, INS अरिहंत। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, प्रकाश के वेग के द्वारा, प्रकाश के आयाम के द्वारा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के द्वारा या प्रकाश की आवृत्ति के द्वारा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, 7 विभिन्न रंगों का बना होता है, जिनके तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं। इसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमारा उत्तर होगा कि प्रकाश का रंग का निर्धारण जो है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तर होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के द्वारा, के तरंग दैर्ध्य के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंडक, कोसी, महानंदा या गंगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बिहार के सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर, ये तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है जगह।
यह जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा उत्तर होगा गंगा नदी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है वह उसमें तमिलनाडु में की तट रेखा की लंबाई जो है 980 किलोमीटर है, महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 970 किलोमीटर और गुजरात का 1214 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा गोवा का 101 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का है 970 और तमिलनाडु का है 980 और महाराष्ट्र का है 720 किलोमीटर। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। हमारा उत्तर होगा गुजरात। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर, स्ट्रेबोस्कोप, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडल के दाब को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायु में उपस्थित नमी को मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु की गति, पवन की गति को मापा जाता है, जबकि स्ट्रेबोस्कोप से जो है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन की घूर्णन को मापा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा स्ट्रोबोस्कोप। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 8 है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस में बैठे सवारी यानी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, या किस नियम का पालन करता है, न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, या संवेग के नियम का। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के प्रथम नियम के अनुसार जब के कारण ही एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस में बैठे सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम का। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का साइज कितना होता है, आकार कितना होता है, 10^-10^-10 मीटर, 10^-9 मीटर, 10^-5 मीटर, 10^-15 मीटर। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है 10^-15 मीटर के बराबर होता है। यह परमाणु की तुलना में बिल्कुल नगण्य होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है। आनुवंशिकता का जनक या पिता किसे कहा जाता है, लैमार्क को, मेंडल को, डार्विन को, ह्यूगो डी ब्रीज को। स्टूडेंट आनुवंशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को। जबकि डार्विन और लैमार्क ने पृथ्वी पर जीवन के विकास के संबंध में नियम प्रतिपादित किए। ह्यूगो डी ब्रीज को म्यूटेशन का फादर कहा जाता है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का जनक जो है ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट,
कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ध्रुवीय जलवायु, शुष्क मध्य तापीय जलवायु, आर्द्र न्यून तापीय जलवायु, आर्द्र मध्य तापीय जलवायु। तो स्टूडेंट, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम जो है, चूँकि यह जलवायु पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। किसके आदेश से 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के जालियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी, जिसमें हजारों लोग जो थे मारे गए थे? हमारा ऑप्शन है माइकल ओडायर, कर्जन विली, लॉर्ड सिंपसन और रॉलेट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन किचलू के नेतृत्व में पंजाब के जालियांवाला बाग एक मैदान है, वहां पर लोगों का हुजूम जो था रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसके उपरांत उस बाग में सिर्फ एक ही दरवाजे थे, जिस पर माइकल ओडायर अपने पुलिस फौज के साथ वहां पहुंचा फोर्स के साथ, और उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाना शुरू किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो ये आदेश दिया था माइकल ओ डायर। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। क्वार्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का? तो स्टूडेंट, क्वार्ज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। किसी राज्य के विधानसभा की अवधि कितने वर्षों की होती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो किसी भी भारत में किसी भी राज्य के विधानसभा की जो अवधि होती है वह 5 वर्षों की होती है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड हार्डिंग? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। हमारा अगला सवाल है, कितने समय में 7% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया होगा? 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो सॉल्यूशन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, दिए गया है 4,347, और इसका मूलधन दिया गया है 30,000 रुपया, बराबर हो जाएगा 1+7/100। समय परसेंटेज दिया गया है 7/100 का इस पावर n हो जाएगा, -1 होगा। इस 1 को इधर लाएंगे तो 4,347/30,000 +1 बराबर 107/100 के पावर n हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 9 27,
दस्तियाईटीस। 10,000 से एक में गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो 1449 प्लस 10,000 बटे 10,000 बराबर हो जाएगा 107 बटे 100 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 11,449 बटे 10,000। 10,000 का वर्गमूल होता है 100 और 107, 100 का वर्ग होता है 10,000 और 107 का वर्ग होता है 11,449, तो हो जाएगा 107 बटे 100 का स्क्वायर अर्थात समय n बराबर 2 वर्ष, हमारा उत्तर होगा 2 वर्ष। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के भाग 69 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।